व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मेहर्स वर्ल्ड। आज मैं आपके साथ मेन कोर्स से जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन टिक्का मसाला। उसके लिए सबसे पहले हमें जो मेन उसका प्रोसेस रहता है वो है मैरिनेशन प्रोसेस। उसमें हमें चाहिए 200 ग्राम्स ऑफ योगर्ट। योगर्ट को हम अच्छी तरह से विस्क करेंगे, जिसके उसमें ज़रा भी लम्स नहीं रहना चाहिए, अच्छे से हमें विस्क करना है उसे। उसके बाद जो बचे हुए मसाले हैं मैरिनेशन के वो डालना है। तो मैं इसको अच्छी तरह से विस्क कर लेती हूँ। ये देखिए, इस तरह से उसे विस्क करना है। विस्क करने के बाद कश्मीरी चिली पाउडर डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के, देखिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे टर्मरिक 1.5 टेबलस्पून। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कोरिएंडर पाउडर 1 फुल टेबलस्पून भर के, जिंजर गार्लिक पेस्ट और कोरिएंडर पेस्ट मिला के 2 टेबलस्पून भर के डालना है हमें। ये देखिए, 2 टेबलस्पून मैंने भर के डाला है इसको। इसमें डालना है गरम मसाला पाउडर 2 टीस्पून फुल, और मैंने 1 टी और कसूरी मेथी यानी कि फेनुग्रीक लीव्स को मैं अच्छे से 1 टीस्पून लूंगी हाथ में, उसको अच्छे से क्रश करके उसमें डालूंगी। अभी सभी मसालों को योगर्ट के साथ अच्छी तरह से मिला लूंगी। तुम अच्छे से मिलाना है। ये देखिए, इस तरह से उसमें मैंने अभी डाला है ऑरेंज रेड कलर, फूड कलर 1/2 टीस्पून। थोड़ा टिक्का का उसमें कलर आ जाएगा अगर आप ये फूड कलर डालेंगे तो। और मैंने थोड़ा सा रोस्टेड क्यूमिन पाउडर डाला है 1 टीस्पून, आप ले सकते हैं, नहीं तो आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट लिया है और इसको भी अच्छे से मिला लिया है सभी मसालों के साथ। इसका जो ये प्रोसेस है मैरिनेशन का, वही बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है। ये मिलाने के बाद ही इसमें हमारी चिकन ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मैंने मिला लिया है। अब मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी कुकर के। मैंने 800 ग्राम चिकन लिया है, बोन के साथ लिया है, आप बोनलेस भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चिकन को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। और मैंने इसमें 1/2 लेमन स्क्वीज किया है। पहले मैं 1/2 ले रही हूँ, बाद में और 1/2 मैं ग्रेवी में डालूंगी। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी मेरे मसालों के साथ। चिकन को मैं मिक्स कर लूँगी।
लेमन मैंने ऊपर से डाला था क्योंकि उसमें चिकन में भी उस अच्छा फ्लेवर आ जाएगा अगर ऊपर से डालेंगे तो लेमन। अब मैं उसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी मसालों के साथ। ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसको। ये देखिए अच्छे से ऊपर नीचे करके हमें मिक्स। ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसको। ये देखिए अच्छे से ऊपर नीचे करके हमें मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमें इसे हाफ एन आवर नहीं तो 1 आवर तक साइड पे रख देना है। उसके बाद 2 टेबलस्पून हम ऑयल लेंगे, साथ में 1 टेबलस्पून बटर लेंगे। पहले ऑयल डालेंगे फिर बटर डालेंगे, नहीं तो डायरेक्ट बटर डालेंगे तो हमारा बटर जल जाएगा। और गैस का जो फ्लेम है वो हम मीडियम पर ही रखेंगे। चिकन को मैरिनेशन के बाद हाफ एन आवर रखने के बाद मैंने एक एक करके इसमें चिकन मेरा तेल में और बटर में डाल दिया है। गरम हो गया था मेरा तेल और बटर तो मैंने एक एक करके इसमें डाल दिया है। अब इसे भी अच्छे से मैं थोड़ी देर मिक्स करूंगी और फिर हमें इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है क्योंकि चिकन का जो पानी है वो अपने आप ही चिकन रिलीज़ करेगा। तो हमें अभी गैस का फ्लेम हाई कर देना है और चिकन को अच्छी तरह से पका लेना है। ये मसाला जो बच गया है जो मिक्सचर उसे साइड पे रख देना है हमें, यह हमें बाद में काम आएगा। चिकन को हमें अच्छे से पका लेना है। थोड़ी देर तक इसे ढक के रखना है। ये देखिए हाई फ्लेम मैंने कर दिया है अभी मेरे गैस का और मैं चिकन को अच्छी तरह से, पानी देखिए इसका एकदम सूख गया है, अच्छी तरह से मैंने इसका पानी सुखा लिया है। ये देखिए इसमें मेल्ट बटर और ऑयल दोनों ही मेरे चिकन ने छोड़ दिया है, इसका मतलब चिकन अच्छी तरह से गल गया है और मसाला भी अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है, फ्राई हो गया है। अब मैं मेरे चिकन को निकाल लूँगी एक एक करके। इसमें जो मैंने ऑनियन 2 मीडियम साइज ऑनियन लिए थे वो अब इसमें डालूँगी। देखिए इसे भी सॉटे कर रही हूँ, रफली चॉप किया था मैंने, अच्छे से इसे सॉटे करना है ऑनियन को और गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। अब इसमें नेक्स्ट प्रोसेस में मैं मेरे फ्राई किए हुए चिकन में चारकोल की टेम्परिंग दूंगी। ये देखिए चिकन मेरा कैसा लग रहा है, एकदम चारकोल की टेम्परिंग। सबसे पहले यहाँ पे मैं अपने ऑनियन को सॉटे कर रही हूँ, अच्छे से सॉटे करना है, इसे भी पिंक होने तक सॉटे करना है। अभी मैं इसमें 2 बिग टोमेटो की प्योरी डाल रही हूँ, इसको ऑनियन के साथ ही अच्छे से मिक्स कर लूँगी ये प्योरी को। थोड़ा सा इसको भी अच्छे से सॉटे करूंगी। ये देखिए इस तरह से देख रहे हैं आप, इसका भी थोड़ा थोड़ा कलर, थोड़ा सा सॉल्ट अकॉर्डिंग टू द टेस्ट इसमें भी डालूंगी। देखिए थोड़ा थोड़ा ऑयल इसमें भी रिलीज हो रहा है। अब मैं बचे हुआ मिक्सर मेरा मैं इसमें डाल दूंगी। यहाँ पे मुझे चारकोल की टेम्परिंग करनी है जिसके लिए मैंने मेरा चारकोल गरम कर लिया था वो मैंने एक छोटे से बाउल में निकाला है। अब मैं इसके ऊपर से 1 स्पून ऑयल डालूंगी
तो इसका जो स्मोक है वो रिलीज होगा, उसको अच्छे से ढक दूंगी, कवर कर लूंगी ताकि चिकन में चारकोल की स्मेल आ जाए, अच्छे से उसका जो अरोमा है वो आ जाए। देखिए अभी मैं इसको कवर कर लूंगी, मैंने कवर कर लिया है। देखिए स्मोक थोड़ा थोड़ा बाहर आ रहा है लेकिन अच्छे से कवर हो गया है, इसका मतलब चारकोल का जो एरोमा है वो उस हमारे चिकन में आ जाएगा। जो मेरा हाफ लेमन था वो मैं स्क्वीज कर रही हूँ इसमें, मतलब टोटल 1 लेमन लेना है ग्रेवी के साथ। देखिए देखिए ये हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है। थोड़ा सा मैं और इसको सुखा लूँगी। आप इसको नान और रोटी के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है इसका। मैं मेरे चिकन जो फ्राई किए हुए हैं जिसमें चारकोल का एरोमा आ चुका है वो मैं एक एक करके इसमें डाल दूँगी। देखिए और उसे मिक्स कर लूँगी अच्छे से। देखिए किस तरह से लग रहा है हमारा चिकन टिक्का मसाला। इसमें जो एक इंग्रेडिएंट है एरोमेटिक, उसमें ऑथेंटिक फ्लेवर आने के लिए मैं इसमें फ्रेश क्रीम डालूंगी, थोड़ा इसकी ग्रेवी थिक हो जाएगी फिर डालती हूँ। आप चाहिए तो ये देखिए थोड़ी सी कसूरी मेथी पहले ऊपर डाल रही हूँ ताकि जो ग्रेवी है उसके अंदर भी अच्छे सा एरोमा आ जाए। उसे भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें मेरा फ्रेश क्रीम डाल दूंगी। ये देखिए मैंने फ्रेश क्रीम लिया है, आप दूध की मलाई भी ले सकते हैं। 3 टेबल स्पून भर के मैंने डाला है इसमें। फ्रेश क्रीम से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। देखिए बहुत अच्छा, थोड़ा सा मैंने ऊपर रखा है फ्रेश क्रीम फॉर द गार्निशिंग। थोड़ी सी और कसूरी मेथी मैं गार्निशिंग में डालूंगी। देखिए हमारा चिकन टिक्का मसाला तैयार हो गया। देखिए कैसा लग रहा है, एकदम डिलीशियस यमी रेसिपी, बहुत इजी है, आप लोग बनाइए और कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन मुझे ज़रूर दीजिए और बना के मुझे बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और हाँ, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा। बाय, हैव अ नाइस डे। बहुत जल्द आऊँगी नई रेसिपी के साथ।